So today's topic, we will start with that of non-stoichiometric defects. बेटा non-stoichiometric defects का मतलब है जिनके हो जाने से cation anion की जो ratio होती है that may change. यानी ratio, यानी stoichiometry of cation anion change हो सकती है. ठीक? हम ये बोल सकते हैं defects due to which ratio of cation and anion changes. ठीक, ऐसे डिफेक्ट जिसके हो जाने से cation और anion की जो रेशियो है बेटा जी वो चेंज हो जाती है तो उसको बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. सी व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसमें आगे दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक जिसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक तो होता है जिसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं और दूसरा होता है जिसको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बोलते हैं. तो ये दो तरह के हो गए, एक हो गया मेटल एक्सेस और एक हो गया मेटल डेफिशिएंट. अब सबसे पहली बात हमारे पास ये रहती है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल एक्सेस डिफेक्ट. बेटा मेटल एक्सेस, देखो बेटा ये जो डिफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे ये किसमें पढ़ रहे थे, आयनिक सॉलिड्स में कि नॉन आयनिक सॉलिड्स में, ये जल्दी बताओ जल्दी, शाबाश सानवी. ये जो डिफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे ये किसमें पढ़ रहे थे बेटा, आयनिक सॉलिड्स में कि नॉन आयनिक सॉलिड्स में? आयनिक सॉलिड्स में. तो आयनिक सॉलिड में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास आयनिक सॉलिड में आयनिक कंपाउंड किसमें बनते हैं बेटा, मेटल और नॉन मेटल. आयनिक कंपाउंड किसमें बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड बनते हैं. क्लियर, समझ में आया? सुनीति डोंट वरी बेटा, अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा अपना नेटवर्क जो है उसको कोशिश करो कि आपका सुधर जाए बेटा. ठीक, मेरा नेटवर्क तो यहां से बिल्कुल सही जा रहा है. ठीक, जिस जिस बच्चे का नेटवर्क नहीं आता है बेटे प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क पे वर्क कर ले, गॉड नोज ये कब तक आपका ऑनलाइन होना है. ठीक, फ्रेंकली स्पीकिंग देखो बच्चे, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा डिफेक्ट्स ड्यू टू विच रेशियो ऑफ कटायन एनायन चेंजेस. ठीक, दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो बेटा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स के डिफेक्ट है, आयनिक कंपाउंड्स में एक देखो हमेशा दो आयन होते हैं, एक कटायन ठीक और एक अनायन, ये दो आयन होते हैं. और बेटा हम ये जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड हमेशा किसमें बनता है, मेटल और नॉन मेटल. तो कटायन जो होता है वो मेटल का बनता है और अनायन जो होता है वो नॉन मेटल का बनता है. कटायन जो है वो मेटल का है, अनायन जो है वो नॉन मेटल का है. तो जब तुम बोलते हो मेटल एक्सेस यानी मेटल एक्सेस में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कटायंस इज मोर एज कंपेयर्ड टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू दिस इफेक्ट. इस डिफेक्ट की वजह से कटायंस का नंबर मेटल एक्सेस, मेटल ज्यादा हो जाना. तो मेटल किसके बने हैं बेटा, मेटल क्या बना रहे, कटायन, यानी यहां पे कटायन का नंबर ज्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे मेटल एक्सेस का मतलब है नंबर ऑफ कटायन इज मोर एज कंपेयर्ड टू द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो. ठीक, ड्यू टू दिस डिफेक्ट. ठीक, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड होना चाहिए था Cu2O, मान लो, बट इट एक्चुअली चेंजेस टू Cu2.1O. तो इसमें कटायन का नंबर अपनी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से थोड़ी क्या हो गया, ज्यादा हो गया. तो कटायन का नंबर ज्यादा यानी कटायन ज्यादा यानी मेटल एक्सेस. अब कटायन का नंबर ज्यादा कैसे हो सकता है सर? हाँ जी बेटे बोलो.
सर वीडियो आपकी क्लियर नहीं आ रही मुझे। मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही? जस्ट अ सेकेंड भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। सो बेटे हम लोग पढ़ रहे थे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। कहा मेटल एक्सेस जब नंबर ऑफ कटायन इज मोर एज कंपेयर टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, जिस डिफेक्ट की वजह से नंबर ऑफ कटायन ज्यादा होते हैं, जिस डिफेक्ट की वजह से नंबर ऑफ कटायन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस। ठीक, अब ये क्यों हो सकते हैं, लेट मी अंडरस्टैंड कि किस वजह से हो सकते हैं। नंबर वन, देखो बेटे, सबसे पहली हमारे पास ये हो सकती है ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। कई बार इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा कटायन आ जाते हैं। कैसे आते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, मान लीजिए मेरे पास एक क्रिस्टल है और यहां है A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव। ठीक, यहां पे B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव, यहां पे A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव, एंड सो एंड फोर्थ, इस तरह का है। ठीक, या फिर हम ऐसा बोल दें कि मेरे पास NaCl स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, क्या है, NaCl है। अब NaCl में हमारे पास Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव, ऐसे ही Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, इस तरह का हमारा एक क्रिस्टल बना पड़ा है। दिस इज वन ऑफ द क्रिस्टल भी है। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, इस NaCl क्रिस्टल को सोडियम के वेपर्स में हीट कर दिया। किसमें कर दिया, सोडियम के वेपर्स में हीट कर दिया। जब इसको सोडियम के वेपर्स में हीट किया तो एक चीज हो सकती है कि जो सोडियम के वेपर्स है उससे एक Sodium 1 पॉजिटिव यहां एक्स्ट्रा आ जाए, Sodium 1 पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ जाए, और कहां आए, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। यहां इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा कटायन आ गया। पर याद रखिएगा, क्रिस्टल एज द होल इज ऑलवेज न्यूट्रल, क्रिस्टल एज द होल इज ऑलवेज न्यूट्रल। अगर यहां पे पॉजिटिव आया है तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली आएगा। ठीक, जैसे सोडियम के वेपर में हमने इसको हीट किया था, NaCl को कैसे हीट किया था, सोडियम के वेपर में हीट किया था, तो जो सोडियम के वेपर है उससे Na1 पॉजिटिव बना, और Na1 पॉजिटिव इस लैटिस के अंदर सीप कर गया, इसके अंदर घुस गया। ठीक है जी, और अब ये क्रिस्टल पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, उसने इलेक्ट्रॉन को भी अंदर खींच लिया। अब इसमें क्या हुआ, पहले जितने कटायन थे उतने अनायन थे, लेकिन अब कटायन का नंबर ज्यादा है, अनायन का नंबर क्या है, कम है, पर क्रिस्टल एज द होल न्यूट्रल है क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो पहली बात है ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, इसकी वजह से आपके पास कटायन एक्सेस हो सकता है, यानी मेटल एक्सेस हो सकता है। लेकिन सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो सेकंड है वो है आपके पास ड्यू टू अनायन वैकेंसी। ठीक है जी, अनायन वैकेंसी की वजह से। ठीक, ड्यू टू अनायन वैकेंसी मतलब समझो कि मेरे पास यहां पे A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव, यहां B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव, और A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव, ये एक क्रिस्टल है। अब क्या हुआ कि अनायन यहां से ये बाहर निकल गया, जैसे हमने अभी क्या किया था। ठीक, अभी हमने क्या किया था कि हमने सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर्स में हीट किया था, तो जब सोडियम के वेपर्स में हीट किया था कुछ सोडियम अंदर आ गया। पर ऐसा भी हो सकता था
कि क्लोराइड बाहर निकल जाता, ऐसा भी हो सकता था कि क्लोराइड बाहर निकल जाता, जैसे अनायन यहां से बाहर निकल गया और वहां पे अनायन की वैकेंसी आ गई, पर जो अनायन बाहर निकला उसके साइट पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अनायन जैसे कि NaCl था तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ करके क्लोरीन की तरह बाहर निकल गया। जैसे इसी में मैं बोल रहा था कि हमने क्या किया, हीटिंग NaCl इन सोडियम वेपर्स, हमने सोडियम वेपर्स में NaCl को हीट किया। दो काम हो सकते थे, एक्स्ट्रा सोडियम अंदर आ सकता था और या फिर क्लोराइड बाहर जा सकता था, सरफेस पे सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता था और अपने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के चला जाता। तो इससे भी क्या होगा, इससे हमारा क्रिस्टल एज द होल तो क्या रहा, न्यूट्रल रहा, क्रिस्टल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एज द होल क्रिस्टल इज न्यूट्रल, क्योंकि जितना चार्ज है उतना ही है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। बट कटायन का नंबर क्या हो गया, कटायन का नंबर ज्यादा हो गया और अनायन क्योंकि वो बाहर चला गया है, ठीक, अनायन का नंबर कम हो गया, तो मेटल क्या हो गया, एक्सेस। तो मेटल एक्सेस का मतलब कटायंस का नंबर ज्यादा होना। अब कटायंस का नंबर दो जगह पे ज्यादा हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा कटायन आ जाए, या तो एक्स्ट्रा कटायन आ जाए इंटरस्टिशियल स्पेस में, और या फिर अनायन की वैकेंसी आ जाए, या फिर अनायन की वैकेंसी आ जाए, उसकी वजह से हमारे पास यहां पे क्या सकता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह है, ये जो इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन अनायनिक साइट, ये है इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन अनायनिक साइट, ठीक, इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन अनायनिक साइट, अनायनिक साइट पे जो इलेक्ट्रॉन इंट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं, इसको बोलते हैं फारबे सेंटर्स, या फिर बोलते हैं एफ सेंटर, नो, अगर तुमसे पूछा जाए कि एफ सेंटर क्या होता है, ठीक, जैसे प्लस टू में पूछा जाता है कि एफ सेंटर क्या होता है, तो क्या कहना है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन एंट्रैप इन अनायनिक साइट्स, अनायनिक साइट्स में इलेक्ट्रॉन का एंट्रैप हो जाना, फंस जाना, उससे हमारे पास फारबेजेंटर बन जाता है। ये एक्चुअली जर्मन वर्ड है फारबेजेंटर, उस फारबेजेंटर को हिंदी में लाते जाते फारबे सेंटर या एफ सेंटर बोल दिया गया। फारबे का मतलब होता है कलर, तो एक कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर होता है, इससे कलर आ जाता है, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, इसकी वजह से कलर हो जाता है, ठीक, इसकी वजह से कलर आ जाता है क्रिस्टल। जैसे बेटे जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो तो वाइट होता है, होता है कि नहीं, पर जो काला नमक आपने कभी देखा होगा उसका उसका कलर कैसा होता है भाई, थोड़ा सा लिलैक, समझते, लिलैक यानी पर्पल सा, मोव सा कलर, ठीक। लिथियम क्लोराइड का भी ऐसे लिलैक कलर हो जाता है, क्यों, उसमें इस तरह के फारबेजेंटर बन जाते हैं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो जब इसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब दैट एनर्जी और एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर फिर वो एनर्जी को रिलीज करेंगे और एनर्जी बाहर चले जाएगी, वही हमें कलर देता रहेगा। तो जो सोडियम क्लोराइड में येलोइश कलर आ जाता है, अगर NaCl में बात करें उसमें येलोइश आता है, काले नमक में वो रॉक साल्ट का एक और है उसमें लिथियम क्लोराइड की इंप्यूरिटीज होती है, उसमें लिलैक कलर आ जाता है, तो लिथियम क्लोराइड में लिलैक कलर आ जाता है, NaCl में येलो कलर आ जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू फारबेजेंटर, ठीक। अब देखो मेरे बच्चों, पहली बात तो ये समझ लो कि पहले पूछा फारबेजेंटर क्या है, बोला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन अनायनिक साइट, यानी इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन एन अनायनिक साइट इज कॉल्ड एज फारबेजेंटर। फारबेजेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी बात, अगर फारबेजेंटर बन गया, कलर भी आ गया, दूसरी बात, यहां अनकेड इलेक्ट्रॉन आएगा,
तो जिसमें भी फारवेज एंटर होगा वो क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक हो जाता है, वो क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक हो जाता है, यानी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है जी, अब कैसे कलर प्रोड्यूस होता है? देखो कई बच्चे ना मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे बोलना नहीं चाहूंगा, कई बच्चों का क्या होता है कि थॉट प्रोसीजर कुछ और होता है, वो सोचते हैं कि सर ना कोई कंपटीशन का क्वेश्चन ऐसे लिख के नहीं बोल रहे कि ए आंसर ये बी आंसर ये। अरे भाई यहां ना हाईएस्ट लेवल की टीचिंग हो रही है, गॉट इट? ये मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं प्लस टू तुम्हारे को, प्लस टू तो पढ़ा ही रहा हूं, पर ये कंपटीशन की टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिया कंपटीशन की टीचिंग हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना कंपटीशन की टीचिंग होती है, समझ में आई? ये नहीं कि दो क्वेश्चन करवा दिया ऑब्जेक्टिव जी कंपटीशन की तैयारी हो गई मजा आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते, यही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे? बोलेंगे कि भैया जिस भी क्रिस्टल में फारवेज एंटर होते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। नीचे आ जाएगा, दे विल हैव कलर, दे आर पैरामैग्नेटिक, दे विल आल्सो बी कंडक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री टू मूव, तो उसमें कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो फारवेज एंटर की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और अगली बात कि कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अभी कोई बच्चा लिख रहा था कि कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। देखो बेटे, जब इलेक्ट्रॉन पे लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जब एब्जॉर्ब करता है ठीक, तो वो एक्साइट होता है, एक्साइटेड स्टेट हमेशा टेम्परेरी होती है, तो वो उस एनर्जी को रिलीज करता है जो उसने गेन की, और वो कलर में, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में गिरेगी तो हमें कलर दिखाई देगा। तो इस तरह से कलर फारवेज एंटर की वजह से होता है। ठीक, तो फारवेज एंटर को कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर भी बोला जाता है। जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन में आया बेटे अभी तक, एक चीज है फिलोसफर्स वूल, फिलोसफर्स वूल। अब फिलोसफर वूल किसको बोलते हैं बेटा? फिलोसफर वूल होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वूल क्यों बोलते हैं? देखो बेटे, इसलिए कि जब ये ठंडा होता है तो ये वाइट होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से ये येलोइश हो जाता है, दैट टर्न्स येलो, गर्म करने से ये येलो हो जाता है, ठंडा करने से दोबारा व्हाइट हो जाता है, यानी ZnO जो है ठंडा करने से व्हाइट और गर्म करने से येलो हो जाता है। अब ये कलर चेंज जो है ये क्यों आया? तो बेटा कंपटीशन में AIEEE में क्वेश्चन को इस तरह से दिया गया कि कलर चेंज ऑफ ZnO इज ड्यू टू, कलर चेंज ऑफ ZnO या फिलोसफर वूल इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिवर्सिबल अपटेक की वजह से हमारे पास इसका कलर चेंज होता है। सर अब ये रिवर्सिबल अपटेक का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल मैंने लिया, जैसे NaCl, जैसे ये एक जिंक एक ऑक्साइड, एक जिंक एक ऑक्साइड ऐसे लगा हुआ होगा। अब जब मैंने इसको हीट किया, ऑक्साइड अपनी जगह से उड़ जाते हैं, ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाते हैं, तो ऑक्सीजन बन गई, इलेक्ट्रॉन वहीं रह गया, फारवे सेंटर बन गए, फारवे सेंटर की वजह से कलर आ जाता है, फारवे सेंटर की वजह से कलर आ जाता है। अब जब आप इसको ठंडा करने लगते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहीं जैसे फारवे सेंटर बने हैं ठीक, क्यों? ऑक्सीजन बाहर चले गई, लेकिन जब ठंडा किया तो वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन दोबारा यहां पे आ गई, आ करके उसने क्या किया, इसी इलेक्ट्रॉन को लेके फिर से ऑक्साइड बना दिया, फारवे सेंटर खत्म हो गया, फारवे सेंटर खत्म होने से कलर दोबारा क्या आ गया, व्हाइट हो गया। तो दिस इज रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन दिया भी जा रहा है, ऑक्सीजन लिया भी जा रहा है रिवर्सिबली। सो बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन वी कैन गेट कलर चेंज इन जिंक ऑक्साइड और फिलोसफर्स वूल।
बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, क्विकली बोलना, फिलोसोफर गुण का कलर चेंज समझ में आया कि नहीं? सर एक बार दोबारा बता दो कि कैसे चेंज होता है कलर। देखो भाई मान लो हमारे पास यहां पे है Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव, यहां पे Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ये है हमारे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। अब मैंने इसको जैसे हीट किया, हीट करने पे यहां से ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन अपने यहां छोड़ गया, ठीक है, और ये बन गया फारवे सेंटर, ये क्या बन गया, एफ सेंटर बन गया, और एफ सेंटर के बनते क्या आ जाते हैं, कलर आ जाता है, एफ सेंटर के बनने से क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। सो कैसे आता है फारवे सेंटर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, इतनी देर से पढ़ा क्या होंगे? नेचर है तो रिस्पॉन्सिबल, प्रोसेस तो होता है कुछ। प्रोसेस बताया तो बेटे जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और जब एक्साइट होता है एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज टेंपरेरी, तो एनर्जी को रिलीज करेगा, वो एनर्जी बाहर आएगी, उसी से तो कलर आएगा। यस सर ओके, अभी तो बताया बेटा, कान खुले रखा कर लिया है, ठीक, कि क्या है कि जब कभी भी इसको हम एनर्जी देते हैं ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना इसके इससे एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज टेम्परेरी, तो इट विल लूज दैट एनर्जी दैट कम्स आउट एज अ कलर, ये फारवे सेंटर के कलर का फिनोमेना है। तो जैसे ये फारवे सेंटर बना कलर बन गया, अब क्या हुआ हम इसको ठंडा करना शुरू किया, जब हमने इसको ठंडा करना शुरू किया तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहां पे आने शुरू हो गई, दोबारा से ठंडा शुरू करना शुरू किया तो ये ऑक्सीजन दोबारा यहां पे आ गई, अब ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर की थी, अब ये एटमॉस्फेयर की थी, यहां पर आके इसने दोबारा से करना दिया ऑक्साइड, अब ऑक्साइड बना गया फारवे सेंटर खत्म, फारवे सेंटर खत्म तो कलर खत्म, इस तरह से देयर इज रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देना लेना रिवर्सिबिलिटी के साथ चलता चला जा रहा है, तो दिस रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड। अभी बोलो समझ में आया? यस सर। अब देखो भाई अभी मैंने आपको पहला डिफेक्ट करवाया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस का मतलब है क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड में कटायन हमेशा मेटल के बनते हैं, तो मेटल एक्सेस का मतलब है कि कटायंस का नंबर स्टोकियोमेट्री से ज्यादा होगा, जैसे यहां स्टोकियोमेट्री 2:1 होनी चाहिए थी पर मैंने 2.1 और यहां पे ये लिख दी है, ठीक, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपके पास कटायन का नंबर इसकी स्टोकियोमेट्रिक रेशियो से ज्यादा हो गया। ये दो वजह से हो सकता है, पहला हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है जी, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा कटायन का आ जाना, जैसे हमने किसी पर्टिकुलर को किसी मेटल के वेपर में हीट किया तो एक्स्ट्रा कटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ सकते हैं, बट याद रखना क्रिस्टल इज ऑलवेज न्यूट्रल, तो अगर कटायन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन भी पकड़ेगा, उस वजह से यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। या फिर दूसरी चीज हो सकती है ड्यू टू अनायन वैकेंसी, अनायन की वैकेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है कि अनायन अपनी जगह से गायब हो जाए, वो कैसे हो सकता है कि जब आप इसको हीट करें तो हो सकता है अनायन बाहर निकल जाए और अपनी जगह पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाए, तो उससे बनते हैं फारवे सेंटर, फारवे सेंटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंट्रैप्ड इन अनायनिक साइट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ क्रिस्टल। जैसे बेटा पेपर कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिलैक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड इज ड्यू टू, that is due to F centers, F center के बनने की वजह से, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कलर F center की वजह से हो सकता है, तो F center बनते हैं, वो कलर प्रोड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए F center वाले क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से फिलोसोफर वुड का जो कलर चेंज है दैट इज एक्सप्लेन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ फारवे सेंटर ड्यू टू रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। बोलो भाई ये सारी बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब यहाँ पे कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? Excuse me, sir. इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से. कंडक्टिविटी इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करते रहेंगे उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी. बेटा अगर करंट फ्लो करने वाली चीजें नेगेटिव होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो इससे हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं. इस डिफेक्ट से हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं. एन मतलब जिसका चार्ज कैरियर करंट कैरियर नेगेटिव हो. चार्ज कैरियर या करंट कैरियर नेगेटिव हो तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन की. बोलो भाई कोई डाउट पूछ रहा था बिटिया कोई पूछ रही थी. सर जो लिलैक कलर आता है लिथियम क्लोराइड का तो हम उसमें ये कहेंगे कि वो एफ सेंटर फॉर्मेशन एंड रिवर्सिबल अपटेक ऑफ क्लोरीन के कारण हो रहा है. क्लोरीन गैस उसमें रिवर्सिबल अपटेक नहीं हो रहा. उसमें कलर दोबारा चेंज नहीं होता बेटा. ठीक रिवर्सिबल अपटेक तो सिर्फ जिंक ऑक्साइड में होता है जिसका कलर चेंज हो रहा है. उसमें तो लिलैक एक बार आ गया दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फार्बेसेंट. आप ये बोलोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फार्बेसेंट. क्लियर बेटे? ओके ये पहला हुआ मेटल एक्सिस. अब मेटल एक्सिस के बाद अगली बात आती है मेटल डेफिशिएंट. दूसरी तरह का हमारे पास इसमें नॉन स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट आता है मेटल डेफिशिएंट. मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंट. चलो मेरे बच्चों अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का मतलब समझा दो. इसमें क्या होना चाहिए? यस यस अक्षित इसमें क्या होना चाहिए मेटल डेफिशिएंट में? नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर एज कंपेयर टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक रेशियो. बिल्कुल इसमें क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ आयंस शुड बी मोर as compared to their stoichiometric ratios. ठीक है जी. Number of anion should be more as compared to their stoichiometric ratios. Anion का number ज्यादा हो जाए तो cation कम हो गए. Cation metal के बनते तो metal deficient हो गया. अब ये कैसे हो सकता है? हाउ इट कुड बी पॉसिबल? ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक देखो भाई इसमें दो चीजें हो सकती है मेटल डेफिशिएंट. सबसे पहली बात तो हमारे पास हो सकती है कि अगर हमारे पास अनायन कटायन एक्स्ट्रा अनायन आ जाए एक्स्ट्रा अनायन इन इंटरस्टीशियल स्पेस. इंटरस्टीशियल स्पेस ऐसा हो सकता है कि इंटरस्टीशियल स्पेस में एक्स्ट्रा अनायंस आ जाए. ध्यान दीजिएगा जैसे मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल है A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव. ठीक B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव. इस तरह का एक क्रिस्टल है मेरे. ठीक है और मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा अनायन इन द इंटरस्टीशियल स्पेस. देखो बेटे इसका मतलब यह है कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा अनायन B1 नेगेटिव आ गया. अब अनायन का नंबर ज्यादा हो गया पर बेटे इससे चार्ज गड़बड़ हो जाएगा. इस वजह से कोई ना कोई कटायन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर देके अपने चार्ज को बढ़ा लेगा ताकि एज द होल क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाए. अगर एक नेगेटिव बड़ा है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और बाहर दे दिया है. 1 पॉजिटिव जगह 2 पॉजिटिव हो गया तो चार्ज बराबर हो गया. सिमिलरली एक भी नेगेटिव और आ गया भाई तो एक ए ने और एक इलेक्ट्रॉन देकर 2 पॉजिटिव बना दिया है. तो ऐसे करके चार्ज तो न्यूट्रलाइज रहेगा. बट एक खास बात जरा कान खोल के सुन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कंपटीशन में हजारों बार इस पे क्वेश्चन आया है ध्यान देना है.
क्या कह रहा हूं कि अगर एक्स्ट्रा अनायन आता है तो कोई कटायन जितने अनायन का चार्ज है उसको बराबर करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, मान लो मेरे पास FeO का क्रिस्टल है, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ठीक है जी, O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, ठीक इस तरह का क्रिस्टल है, इसमें आयरन 2 पॉजिटिव और ऑक्साइड 2 नेगेटिव है। अब मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा अनायन आ गया, ये लो जी O2 नेगेटिव आ गया, अब दो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, उसको बैलेंस करने के लिए आयरन को दो इलेक्ट्रॉन देने होंगे, अब आयरन प्लस 4 तो होता नहीं, इसलिए क्या होगा कि एक आयरन प्लस 2 से प्लस 3 हो गया और दूसरा भी प्लस 2 से प्लस 3 हो गया, तो दो नेगेटिव आया और यहां दो पॉजिटिव बढ़ गया। ठीक, लोअर वैलेंसी वाले कटायन हायर वैलेंसी वाले कटायन में चेंज हो गए, लोअर वैलेंसी वाले कटायन हायर वैलेंसी वाले कटायन में चेंज हो जाते हैं, बट उससे अनायन का नंबर तो बढ़ गया ना बेटा, कटायन का नंबर उतना ही रहा लेकिन अनायन का नंबर बढ़ गया, चार्ज हमेशा न्यूट्रल रहेगा। इससे जो कंपाउंड हमारा FeO होना था अब वो FeO ना हो करके Fe2Fe3O4 हो जाएगा, Fe3O4 which is a mixed oxide, which is a mixed oxide, इसमें दो चीजें होंगी, इसमें कुछ FeO होगा और कुछ Fe2O3 होगा, यानी इसमें कुछ ऐसे आयन होंगे जिसमें प्लस 2 चार्ज होगा और कुछ ऐसे आयन होंगे जिसमें प्लस 3 चार्ज होगा, कुछ आयन जिसमें प्लस 2 कुछ आयन जिसमें प्लस 3, वो हम देख रहे हैं सम ऑफ द प्लस 2 आर रिप्लेस्ड बाय प्लस 3। ठीक, लोअर वैलेंसी वाले आयन हायर वैलेंसी वाले आयन में चेंज हो जाते हैं जस्ट टू मेक अ सब्सटेंस न्यूट्रल। तो पहले बोलो ये समझ में आया एक्स्ट्रा अनायन इन द इंटरस्टीशियल स्पेस, जल्दी बोलो यस और नो। यस, पर बेटा दिस इज एक्चुअली द रेयरेस्ट चांस, ये रेयरेस्ट चांस होता है, क्यों बेटा अनायन हमेशा बड़े होते हैं, अनायन हमेशा बड़े होते हैं, और अगर अनायन बड़े होते हैं ठीक, अनायन आर ऑलवेज लार्ज, तो बेटा इंटरस्टीशियल स्पेस में आने के चांसेस कम है। ठीक, जैसे तुमने आयनिक क्रिस्टल अभी पढ़े मेरे साथ, तो मैंने तुम्हें समझाया कि अनायन जनरली पैकिंग बनाते हैं और वॉइड्स में कौन जाते हैं, कटायन, और यहां हम अनायंस को वॉइड में ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अनायन बड़े होते हैं तो ऐसा चांस इज वेरी वेरी लेस, ऐसा चांस इज वेरी वेरी लेस। लेकिन खास बात देखिएगा, एक दूसरी चीज हो सकती है, दैट इज हमें अनायन का नंबर तो ज्यादा करना है, कटायन वैकेंसी हो जाए, कटायन वैकेंसी हो जाए, ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब कटायन वैकेंसी कैसे हो जाए, ये A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव, A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव, ये B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव, B1 नेगेटिव A1 पॉजिटिव, ठीक, B यहां पे A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव, A1 पॉजिटिव B1 नेगेटिव। अब बोला कटायन वैकेंसी, बेटे कटायन यहां से चला गया, चला गया तो उसकी जगह खाली जगह रह गई, उसकी जगह खाली जगह रह गई, बट क्रिस्टल एज अ होल न्यूट्रल रहना है, तो किसी दूसरे कटायन ने चार्ज को बढ़ा लिया बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन ताकि क्रिस्टल न्यूट्रल रहे, पर कटायन की वैकेंसी हो गई, और जहां कटायन की वैकेंसी है उसको बोलेंगे होल, क्या बोलेंगे होल, तो यहां होल्स बन जाते हैं, कटायन वैकेंसी में यहां पे क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं, क्लियर। तो ऐसे कटायन की वैकेंसी हो जाएगी, बट इसमें भी लो वैलेंसी वाले
कटायन हायर वैलेंसी वाले कटायन में चेंज हो जाते हैं, लो वैलेंसी वाले कटायन हायर वैलेंसी वाले कटायन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि यहां पर हमारे पास, अब यहां पे होल बन गया, इसको होल या वैकेंसी बोल दिया। अब ऐसा हो सकता है बेटे कि ये वाला कटायन यहां जंप कर जाए, तो बेटे ये होल यहां आ जाए। जब ये होल यहां आएगा तो ये वाला कटायन यहां मूव कर सकता है, तो होल यहां आएगा। अगर ये वाला कटायन यहां जंप कर जाए इस होल में, तो होल यहां आएगा। ऐसे मूव कटायन कर रहे होंगे, लेकिन हमें लगेगा कि क्या मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है। जब ये यहां आ गया तो होल यहां आ गया, अब ये यहां आ गया तो ये वाला होल यहां चला गया, तो हमें देखने में लगेगा कि होल मूव कर रहा है। एंड वन करंट पासेस थ्रू होल, दिस गिव राइज टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि होल एक पॉजिटिव कैरियर है, कैसा है पॉजिटिव, इसमें कटायन ही जा रहे हैं ना भाई, कटायन मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हॉपिंग ऑफ आयंस। क्या हॉपिंग ऑफ आयंस की वजह से आयन जो है वो हॉप कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसकी वजह से होल इज मूविंग एंड करंट फ्लोज थ्रू होल ठीक, which give rise to P-type semiconductor। ये P-type semiconductor हमारे पास बनाता है, this forms P-type semiconductor। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, अगर बेटा हमने बोला कि करंट होल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो इट गिव राइज टू पी टाइप सेमी कंडक्टर, उससे पी टाइप सेमी कंडक्टर बनता है। ठीक है जी, तो हमने दूसरी बात पढ़ी मेटल डेफिशन। मेटल डेफिशन का मतलब है नंबर ऑफ आयन शुड बी मोर एज कंपेयर टू देयर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। वो दो वजह से होता है, या तो एक्स्ट्रा अनायन आ जाए जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है, या फिर कटायन की वैकेंसी बन जाए जिससे होल बन जाता है। बट दोनों सूरतों में यहां पे कटायन छोटी वैलेंसी से हायर वैलेंसी में चेंज होता है, और अगर उसमें होल बन जाए और करंट होल के थ्रू फ्लो हो रहा हो, तो इट गिव राइज टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया कि कोई डाउट है? जल्दी पूछो, जल्दी। अब देखो बेटे, इसमें एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर पी टाइप एंड टाइप सेमीकंडक्टर्स। बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट कैरियर पॉजिटिव होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट कैरियर नेगेटिव होते हैं। आपने पिछले वाले अभी मेटल डेफिशिएंट में, मेटल एक्सेस में देखा था, करंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो कर रहा था, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो हमें पता नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे। और यहां पे करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव, क्योंकि होल जो है उसमें कटायन रिमूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव की होल को पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी बोलते हैं। तो करंट जब पॉजिटिव के थ्रू होल्स के थ्रू फ्लो करता है, उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। बोलो क्लियर? अभी पर इसमें और पिछले डिफेक्ट्स में फर्क यह था कि भैया इसमें रेशो ऑफ कटायन अनायन चेंज हो जाती है, उसमें रेशो ऑफ कटायन अनायन चेंज नहीं होती। अब एक क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और मुश्किल भी नहीं है, इजी है। आपको बोला कि Fe.980 ऐसा दे दिया है, और इसमें बोला है कि मुझे Fe3 पॉजिटिव कितने हैं उसकी परसेंटेज बताओ। कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव।
बेटा यहां देखने से समझ में आता है कि यहां पे कटायन का नंबर कम हो चुका है, यानी ये मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट है। वो दिख रहा है मेटल डेफिशिएंट। जब भी मेटल डेफिशिएंट होता है तो लोअर वैलेंसी वाले कटायंस हायर वैलेंसी वाले कटायन में चेंज होते हैं। अभी पीछे देखा, यानी इसके अंदर हमारे पास Fe2 पॉजिटिव भी होंगे और इसके अंदर Fe3 पॉजिटिव भी होंगे। सम ऑफ द Fe2 पॉजिटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव, जिससे चार्ज बैलेंस हो जाए। अब हमसे ये पूछा Fe3 पॉजिटिव की कितनी परसेंटेज होगी, प्लीज ध्यान देना। मान लो यहां टोटल तो ये इतने हैं, मान लेते हैं इसमें से एक्स Fe2 पॉजिटिव है। अगर एक्स Fe2 पॉजिटिव है तो ये कितने हुए, टोटल थे 0.98, उसमें से हो गए एक्स ये, ठीक। या फिर इसी को जो निकालना है उसको एक्स मान लो, Fe3 पॉजिटिव एक्स है तो ये 0.98 माइनस एक्स हो गया। टोटल 0.98 थे, उसमें से एक्स ये मान लिए तो ये कितने बचे, 0.98 माइनस एक्स बचे। क्लियर है जी, ठीक। अब देखो एज द होल क्रिस्टल शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल, एज द होल क्रिस्टल शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल, एज द होल क्रिस्टल न्यूट्रल होना ही है। इस वजह से अगर मैं यहां देखूं 0.98 माइनस एक्स इंटू इट्स चार्ज, दैट इज +2, प्लस एक्स इंटू इट्स चार्ज दैट इज +3 इसका, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज -2, इन सब का सम मिला के क्या होना चाहिए, 0। यानी इसका टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज और ऑक्सीजन का टोटल चार्ज, सारे कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल एज द होल इज न्यूट्रल। क्यों जी, तो हमें पता था कि एज क्रिस्टल इज न्यूट्रल, देयरफॉर जितने ये प्रेजेंट है इनटू इट्स चार्ज, जितने ये प्रेजेंट है इनटू इट्स चार्ज, जितने ये प्रेजेंट है इनटू इट्स चार्ज, इन सब का सम शुड बी इक्वल टू 0। तो हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे। अब ये बन जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करके 1.96 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सॉल्व किया मैंने इसको। अब ये एक साइड ले जाओ, ये एक साइड एक्स एक्स वाले अलग से ले जाओ, तो सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स माइनस 0.04 शुड बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया मैंने तो एक्स कितना आया, एक्स आ गया 0.04, एक्स कितना आ गया 0.04। पर हमें ये पता चल गया, ये तो पता चल गया कितने हैं, पर इसकी परसेंटेज पूछी थी। तो परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव ये कितनी होगी बेटा, एक्स बाय टोटल इनटू 100, ऐसी परसेंटेज निकालेंगे। एक्स हमने निकाला कितना 0.04, टोटल कितने प्रेजेंट थे 0.98 इनटू कितना था 100। सॉल्व करो, खत्म करो क्वेश्चन। बोलो भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, गौतम साहब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। ऐसे ही एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे दिया गया Ni.980 को लेकर, इसमें निकल 3 पॉजिटिव पूछा था, ऐसे ही करना है। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं Fe3O4 में Fe2 पॉजिटिव का परसेंटेज निकालो। चलो करके दिखाओ मेरे को, Fe3O4 में आप Fe2 पॉजिटिव का परसेंटेज निकाल के बताओगे मुझे, जल्दी निकालो। चलो शाबाश,
चलो चलो शाबाश शाबाश जल्दी निकालो। प्रज्वल निकाल बेटा फटाफट से आंसर निकाल शाबाश। मुदिता आंसर आया कि नहीं? सर टू में आंसर। मिस्टर आंसर सर 100/3। हाँ जी 33% बोल देने हैं। नहीं 33.3%। इसमें हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव भी है और आयरन 3 पॉजिटिव भी है। दो है आयरन 2 पॉजिटिव भी आयरन 3 पॉजिटिव। जो आयरन 2 पॉजिटिव है वो मान लो एक्स है और आयरन 3 पॉजिटिव टोटल 3 थे तो 3-x हो जाएंगे। तो इसका चार्ज इनटू दिस यानी +2 × x + +3 × 3-x प्लस ऑक्सीजन कितना है -2 × 4 शुड बी इक्वल टू 0। तो मतलब 2x + 9 - 3x ठीक है जी और +8 = 0 ठीक है जी। तो कितना आ गया भाई हमारे पास x में से आया -x + 1 = 0 तो x आ गया 1। x 1 आया तो परसेंटेज Fe2 पॉजिटिव की निकालनी है तो कितना होगा 1/ कितने थे टोटल 3 × 100 यानी 33.3%। बोलो भाई सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया ऐसा क्वेश्चन? यस सर। किसी को किसी तरह की दिक्कत हो पूछ सकता है राइट नाउ? ठीक है तो ये तो था बेटा जी हमारे पास नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में से हमने मेटल एक्सेस मेटल डेफिशिएंट किया। तो बेटे देखो मैंने आपको आयनिक क्रिस्टल के जो डिफेक्ट्स करवाए पॉइंट डिफेक्ट्स वो दो तरह के करवाए थे बेटा एक स्टोकियोमेट्रिक एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक में करवाए थे शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक नॉन स्टोकियोमेट्रिक में करवाया मेटल एक्सेस मेटल डेफिशिएंट। इन सब में फार्मेजेंटल इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैड जो हमने पढ़ा। बाकी शॉर्टकी और फ्रैंकल पिछली बार समझाया वो तुम्हें अच्छे से ठीक उसके डिफरेंसेस भी करने को तुम्हें दिए थे मैंने ठीक आज मैंने इनको बताया। अब चलते आगे बैठे देखो बेटा ये जो डिफेक्ट हमने किए ये सारे डिफेक्ट मैंने आपको बताए थे इनको हम बोलते थे इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इन सबको क्या बोलते थे इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्रिस्टल के अंदर से। इंट्रिंसिक डिफेक्ट का मतलब क्रिस्टल के अंदर से ठीक यानी टेम्परेचर की वजह से जब आप किसी क्रिस्टल को हीट कर देते हैं उसकी वजह से ये इंट्रिंसिक डिफेक्ट थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बेटा एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स बेटा एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स जिसको अपन लोग इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं ठीक। कई बार सॉलिड की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें कुछ इंप्योरिटीज अपनी तरफ से डालते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए उसमें अपनी तरफ से बेटा इंप्योरिटीज डालते हैं ठीक जस्ट टू मेक इट्स प्रॉपर्टीज डिफरेंट तो उसको इंप्योरिटी डिफेक्ट्स बोलते हैं। एट दिस एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज या रिप्लेसमेंट बाय एनी अदर थिंग ठीक
इसको डोपिंग कहा जाता है. सो डोपिंग रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय इंप्योरिटीज, इसको डोपिंग बोलते हैं. जैसे बेटा आपने कई बार सुना होगा कि ओलंपिक्स में एक डोप टेस्ट होता है, बंदे फेल हो जाते हैं डोप टेस्ट में तो बोलते इसने ड्रग्स लिए हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एज डोप टेस्ट, क्यों बोलते हैं इसको डोप टेस्ट, कभी सोचा क्या? क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर ले लेते हैं जो हमारे नेचुरल ट्रांसमीटर को, नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर को रिप्लेस कर देते हैं, एंड दैट रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड एज डोपिंग. तो हमारे जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो थोड़े स्लो एक्टिंग हो सकते हैं, और जो बाहर से वो आर्टिफिशियल लेते हो फास्ट एक्टिंग होते हैं, उससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है बंदे की, तो तभी इसको डोप बोलते हैं. तो डोपिंग का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय इंप्यूरिटीज और बाय एनी अदर थिंग. अब ये इंप्यूरिटी डिफेक्ट है ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो आयनिक क्रिस्टल्स में, एक नॉन आयनिक. सबसे पहले नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स इन नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स. इंप्यूरिटी डिफेक्ट इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स. देखो बेटा, जनरली हम सेमी कंडक्टर बनाने के लिए कार्बन फैमिली का कोई मेंबर चुनते हैं. जैसे कार्बन फैमिली में क्या क्या है बेटा, कार्बन फैमिली में क्या क्या होता है बेटा, कार्बन फैमिली में होता है क्या, सीता गीत सुनकर पड़ेगी, ये कार्बन फैमिली का मेंबर होते हैं. बेटा कार्बन फैमिली में हमने मान लो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम को चुन लिया. बेटा कार्बन फैमिली इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें चार चार बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं, सारी का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है. ठीक, तो जैसे ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ऐसे ही ये सारे जर्मेनियम है मेरे पास, ये नॉन आयनिक क्रिस्टल है मेरे पास, दिस इज अ नॉन आयनिक क्रिस्टल. अब हर जर्मेनियम में चार चार इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार, वेलेंस शेल में चार चार इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस. ठीक है जी, और ये चार चार इलेक्ट्रॉन आपस में से बॉन्ड बना के रह रहे हैं लाइक दिस. सिर्फ बॉन्ड ऐसे बना के दिखा रहा हूं, ऐसे होते नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपको क्लियर हो जाए. इस तरह से जर्मेनियम का एक क्रिस्टल होता है. अब बेटा इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो क्या ये कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर नहीं होगा. तो मैं इसमें इंप्यूरिटीज ऐड करूंगा, मैं दो तरह की इंप्यूरिटीज ऐड कर सकता हूं. ठीक, इंप्यूरिटीज, दो तरह की इंप्यूरिटीज इसमें ऐड हो सकती है. नंबर वन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटीज. अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटी का मतलब क्या है, किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी इससे पिछला ग्रुप, प्रीवियस ग्रुप, यानी बोरोन फैमिली डाल सकता हूं. डोपिंग ऑफ बोरोन फैमिली, डोपिंग by boron family. अब boron family क्या होती है, bor atol gaiga in Thailand, ये boron family है. मान लो हमने इसमें से एक germanium निकाला,
उसकी जगह डोप कर दिया आपसे बोरोन, उसकी जगह पे डोप कर दिया से बोरोन, उसकी वजह से क्या हुआ? देखो जी, बोरोन के वैलेंस शेल में तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो तीन, ठीक, तो एक जगह खाली हो जाएगी, एक जगह क्या हो जाएगी खाली, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज होल, इसको होल या वैकेंसी बोलेंगे, होल या वैकेंसी बोलेंगे। अब ये होल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है, तो होल यहां आ जाएगा, अगर होल यहां आया तो इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है, तो होल यहां आ जाएगा, अगर यहां जंप किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है, होल यहां आया तो यहां वाला यहां जंप करेगा, ऐसे होल के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करते रहेंगे और मूवमेंट किसकी होगी? होल की। तो ऐसे केस में ड्यू टू हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल, करंट फ्लोज थ्रू होल, और जब भी बेटे होल के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अगर करंट होल के थ्रू फ्लो हो तो क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ड्यू टू हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल, करंट फ्लो थ्रू होल गिविंग पी टाइप सेमीकंडक्टर। इससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर हमने पिछले वाला ग्रुप डाला तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी से हमने क्या डाला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी, उससे बना पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं एक और काम कर सकता था, मैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी तो डाल सकता था, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी यानी ऐसी इंप्योरिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जैसे कार्बन फैमिली से आगे नाइट्रोजन फैमिली, मैंने नाइट्रोजन फैमिली को डाल दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा, ये जर्मेनियम, यहां पे भी जर्मेनियम, ठीक है जी। अब इन सब जगह पे एक दो तीन चार, सारी जगह चार चार इलेक्ट्रॉन के बेटा, और चार चार बॉन्ड बने हुए थे आसानी से, सो नो इलेक्ट्रॉन वॉज फ्री, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, तो कंडक्टिविटी नहीं थी। अब हमने क्या किया, हमने यहां से इस जर्मेनियम को हटा दिया, इसी जगह मान लो आर्सेनिक डाल दिया। अब आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन कितने, पांच, एक दो तीन चार, चार तो उसी जगह पे आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको धक्के मारेगा, चल यार मेरे को जगह दे, ये इसको धक्का मारेगा, यार मेरे को जगह दे, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ऐसे ये बाहर भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने शुरू हो गए, बट नाउ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रॉन डोपिंग विथ नाइट्रोजन फैमिली यानी इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू हाँ जी, अगर करंट इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो हो तो कैसा होता है, n टाइप सेमीकंडक्टर n टाइप सेमीकंडक्टर
तो इससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब एक शॉर्टकट समझ लो, पी से पिछला, एन से नेक्स्ट। भैया प्रीवियस ग्रुप कभी भी चढ़ाओगे, कभी भी प्रीवियस ग्रुप चढ़ाओगे तो क्या बनेगा, पी टाइप। नेक्स्ट ग्रुप चढ़ाओगे तो एन टाइप। अगर आपको मैंने बोल दिया कि भैया जर्मेनियम इज डोप्ड विद गैलियम, गैलियम पिछला ग्रुप था तो पी टाइप, पी फॉर पिछला, ऐसे दिमाग में रखना पी टाइप। और ऐसे बोल दिया कि बोरोन इज डोप्ड विद जर्मेनियम। अब बोरोन को डोप किया है जर्मेनियम के साथ, विद जर्मेनियम, तो नेक्स्ट ग्रुप चढ़ाया तो इसको एन टाइप बोल देंगे। तो सिंपल बात, पी फॉर पिछला, एन फॉर नेक्स्ट। पिछला ग्रुप चढ़ाओगे तो पी टाइप, अगला ग्रुप चढ़ाओगे तो एन टाइप। अब इस पे क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, बोल देते हैं बोरोन के ऊपर अल्मोनियम चढ़ाया, अल्मोनियम के ऊपर ये रादर जर्मेनियम चढ़ा दिया, बोलो किस तरह का सेमीकंडक्टर। लेकिन एक बात जो कि कान खोल के सुन लेनी है, डिफेक्ट दुनिया में कोई भी हो उससे कभी भी क्रिस्टल चार्ज नहीं होता। जैसे सर यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो एक्स्ट्रा था, क्रिस्टल पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये कभी नहीं सोचना कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पॉजिटिव, नहीं बिल्कुल नहीं। क्रिस्टल एज द होल इज न्यूट्रल, क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल रहेगा। समझ में आई? ये तो सिर्फ ये है कि हमने उसको कैसे तरह का बना दिया, किस तरह का हमने उसको बनाया, हम उसको एन टाइप बना रहे हैं, हम उसको पी टाइप बना रहे हैं, हमारे को पता है हमें क्या करना है, और कितना बनाना है, कितना डोप करना है वो भी हमें पता है, हम कितने परसेंट इसमें डालें ताकि कंडक्टिविटी हमारी कितनी बढ़ेगी वो सब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अपनी मर्जी से हम इसमें इंप्यूरिटीज डाल सकते हैं। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? सर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी थी, मतलब जब आपने डोपिंग वगैरह समझाना शुरू किया था तो आपने कहा था जर्मेनियम फैमिली को ले रहे हो, उसमें जर्मेनियम ले रहे हो स्पेशली, तो उसका क्या रीजन था कि आपने जर्मेनियम के अलावा कार्बन क्यों नहीं लिया यहाँ पर? नहीं कार्बन भी ले सकते बेटे, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा कार्बन फैमिली कोई भी ले सकते, सिलिकॉन, ये कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड कोई भी ले सकते हैं बेटा। There is no problem about that. क्या रीजन था कि हमने कार्बन फैमिली को ही चूज किया? इसमें बेटा इसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों के चारों बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम डालने हमारे लिए इजी होते हैं बेटा। ठीक? Yes, sir. अब इसी में एक और बताता हूँ बेटा, मुझिता इधर ध्यान देना बेटा, ये तो चलो हो ही गया, लेकिन एक होते हैं मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं? मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स, ध्यान दीजिए, मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स। अभी जो मिक्स सेमीकंडक्टर है इसमें क्या, जैसे 12 16 कंडक्टर्स या फिर 13 15 कंडक्टर्स। अब इसका मतलब क्या है बेटा? 12 16 कंडक्टर का मतलब है 12th ग्रुप और 16th ग्रुप, इन दोनों को मिला दिया हमने, 12th ग्रुप एंड 16th ग्रुप। 12th ग्रुप कौन सा होता है बेटे? 12th ग्रुप कौन सा होता है? बोलो बोलो, जिंक वाली फैमिली है ना, तो 12th ग्रुप कौन सा हो गया? जिंक, कैडमियम, मरकरी। और 16th ग्रुप ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलूरियम, ठीक, और पोलोनियम। हम इन दो को मिला के एक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं इस तरह का, उसमें इंप्यूरिटीज डाल सकते हैं, ये जैसे जिंक सल्फाइड या फिर जिंक सेलेनाइड, जिंक टेलुराइड, इसके बेटे हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर। अब देखो 12 ग्रुप की वैलेंसी होती है 2 और 16 ग्रुप की वैलेंसी होती है 6, इनके एवरेज निकालो तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2
फोर आ गया ना बेटे, तो इसकी एवरेज वैलेंसी क्या होती है? फोर। तो ये वर्क कार्बन फैमिली की तरह करता है, लेकिन इसमें इंप्यूरिटीज डालना और मतलब इसमें होल्स क्रिएट करना बहुत इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा 16th ग्रुप भी होगा और 12th भी होगा। हम अगर 12th को मतलब 12th को डोप करेंगे 13 से तो एन टाइप बनेंगे। डिपेंड करता है हम किसको डोप कर, बट ये मिक्स्ड सेमीकंडक्टर इसी तरह से 13 ग्रुप कौन सा होता है बेटा हमारे पास? बोरोन फैमिली। 13 ग्रुप कौन सा होता है? बोरोन फैमिली, बोल अटल गाएगा इन थाईलैंड, है ना जी। और 15th नाइट्रोजन फैमिली, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। इनको मिला के हम बनाते 13 15। अगर इनकी भी वैलेंसी देखोगे, 13 ग्रुप की वैलेंसी 3, 15 ग्रुप की वैलेंसी 5, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वैलेंसी अगेन कम्स 4। तो बेटे हम ऐसे ना मिक्स्ड सेमीकंडक्टर ज्यादा खुश होके बनाते हैं। जैसे कि हमारे को ये जर्मेनियम आर्सेनाइड ये यूज होता है GaAs एज अ सेमीकंडक्टर, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज 13 15 सेमीकंडक्टर। इसमें 13 ग्रुप वाला कौन है? गैलियम। और 15 वाला कौन सा है? आर्सेनिक। तो इसका हमने सेमीकंडक्टर बना लिया, तो ये मिक्स्ड सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक। इसमें इंप्यूरिटीज ऐड करना और यू कैन से उसमें ज्यादा होल्स को बनाना ज्यादा इजी है हमारे लिए। ठीक। तो ये नॉन आयनिक क्रिस्टल्स थे। तो बोलो नॉन आयनिक क्रिस्टल में डोपिंग कैसे करते? पहले डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय इंप्यूरिटीज बाय अदर थिंग्स। जैसे यहां पे गैलियम इज डोप्ड बाय बोरोन, यहां पे रिप्लेसमेंट किससे की गई? बोरोन से। यहां पे जर्मेनियम इज डोप्ड बाय आर्सेनिक, ठीक है जी, किससे की हमने? आर्सेनिक से डोपिंग। तो डोपिंग होगी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो नॉन आयनिक में अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटी, पिछला ग्रुप कभी भी डालें तो पी टाइप, नेक्स्ट ग्रुप कभी भी डालें तो एन टाइप, इस तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब करंट फ्लो थ्रू होल्स ड्यू टू हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप का मतलब करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एंड देयर मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स 12 16 कंडक्टर जिसमें 12 ग्रुप और 16 ग्रुप जोड़ के, या 13 15 सेमीकंडक्टर्स जिसमें 13th और 15th ग्रुप जोड़ के हमने बनाया। बोलो बेटा नॉन आयनिक समझ में आया कि नहीं? क्विकली बोलना है यस सर। जल्दी बोलो बेटा जल्दी। ओके वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं मेरे बच्चों आगे। अब है इन आयनिक क्रिस्टल्स, डोपिंग इन आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स देखो बेटा, हम आयनिक क्रिस्टल में भी डोपिंग कर सकते हैं। ठीक। आयनिक क्रिस्टल में भी डोपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर अ टाइम बीइंग मैंने NaCl एक आइडियल क्रिस्टल ले लिया, Na1 positive, Cl1 negative, Na1 positive, Cl1 negative, Cl1 negative, Na1 positive, Cl1 negative, Na1 positive, Na1 positive, Cl1 negative, Na1 positive, Cl1 negative. हमने इस तरह का ले लिया, ये आइडियल क्रिस्टल था। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं बेटे? इसमें भी हम डोपिंग करेंगे दो तरीके से। ठीक। या तो विद कटायन ऑफ हायर वैलेंसी। ठीक। या तो हायर वैलेंसी का कटायन लेंगे, जैसे NaCl इज डोप्ड बाय स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। NaCl को स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड से डोप किया। बेटा बहुत ध्यान से सीखना, इस पे क्वेश्चन
बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया, उसको थोड़ा ध्यान देना. NaCl is doped by strontium chloride. ठीक, देखो बेटा, Na की वैलेंसी है 1, ठीक है जी, और क्लोरीन की वैलेंसी -1, स्ट्रॉन्शियम की वैलेंसी है 2. अगर मुझे एक स्ट्रॉन्शियम डालना है तो उसके लिए 2 NaCl को बाहर निकालना होगा. फॉर 1 स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड 2 NaCl इज टेकन आउट. क्यों? वैलेंसी तो सेम है, एक यहां से Na निकाला, एक यहां से Cl निकाला, एक यहां से Cl निकाला, एक यहां से Na निकाला. तो भैया 2 Na 2 Cl में निकाल दिए, उसकी जगह मैंने डाला एक स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, तो स्ट्रॉन्शियम तो एक ही जगह पे आएगा, दूसरा कटायन खाली रहेगा. लेकिन क्लोरीन 2 है, 2 Cl निकले, दोनों जगह पे क्लोराइड आ गए, तो क्लोराइड तो अपनी जगह पे आ ही गए. बची क्या? बची कटायन वैकेंसी. क्या बची? कटायन वैकेंसी. समझ लो मेरे बच्चों, मान लो इसी में मैंने लिया Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव. अब मैंने क्या किया, NaCl is doped with say aluminium chloride, AlCl3. अब देखो भाई, यहां पे एक सोडियम एक क्लोरीन, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -1, लेकिन अल्मोनियम की +3, अल्मोनियम की +3 और क्लोरीन की -1. तो बेटा एक अल्मोनियम क्लोराइड डालने के लिए, फॉर 1 अल्मोनियम क्लोराइड 3 NaCl शुड बी टेकन आउट, क्योंकि वैलेंसी तो सेम रहेगी. ठीक, Na1 पॉजिटिव की जगह Al3 पॉजिटिव डाल रहे, तो 3 डाल रहे. मैंने यहां से Na निकाला. अब 3 Cl बाहर आएंगे, 3 Cl यहां से मिल जाएंगे, Cl अपनी जगह पे आ जाएंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं. 3 ही NaCl से 3 Cl बाहर गए, तो 3 ही Cl आ गए. पर बेटे 3 Na बाहर गए, अल्मोनियम 3 पॉजिटिव तो एक ही जगह आएगा, पर बेटा यहां पे 2 वैकेंसीज बन गई, कटायन वैकेंसीज. इस तरह से अगर मैंने हायर वैलेंसी का कटायन डाला, तो कटायन वैकेंसी बनेगी, और अगर हायर वैलेंसी का अनायन डाल दूं तो अनायन वैकेंसी बन जाएगी. जैसे मान लो NaCl है, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, यहां पे भी Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, और NaCl इज doped with Na2O. अब अनायन हायर वैलेंसी का है, ये तो +1, ये -1, ये +1, ये -2. अब इसको एक को डालने के लिए 2 क्लोरीन बाहर जाएंगे, एक यहां से गया, एक यहां से गया, 2 सोडियम भी बाहर जाएंगे, 2 सोडियम की जगह सोडियम तो आ ही जाएंगे, लेकिन क्लोरीन की जगह एक जगह तो ऑक्साइड आएगा, एक जगह अनायन वैकेंसी बनेगी, अनायन वैकेंसी बनेगी. अरे बोलो, क्लियर हो गया? हायर वैलेंसी के कटायन डालोगे तो कटायन वैकेंसी बनेगी, हायर वैलेंसी के अनायन डालोगे तो अनायन वैकेंसी बनेगी. अभी जो वैकेंसीज बनी उसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है. कैसे? सिंपल है,
भैया कटायन वैकेंसी तो ये Na1 पॉजिटिव यहां जा सकता है तो होल यहां आ जाएगा, फिर ये Na1 पॉजिटिव यहां जा सकता है होल यहां आएगा, फिर ये Na1 पॉजिटिव यहां जा सकता है होल यहां आएगा। ऐसे सारे क्रिस्टल में Na1 पॉजिटिव मूव कर सकते हैं, होल मूव करता रहेगा, करंट विल फ्लो थ्रू होल्स। बोलो जी समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आयनिक क्रिस्टल में इंप्यूरिटी कैसे करते हैं? इन आयनिक क्रिस्टल्स में हम डालते हैं कटायन विद हायर वैलेंसी और अनायन विद हायर वैलेंसी, कटायन विद हायर वैलेंसी और अनायन विद हायर वैलेंसी। ठीक, या तो हायर वैलेंसी के कटायन डालते हैं, हायर वैलेंसी के अनायन। अगर हायर वैलेंसी के कटायन डालोगे तो कटायन की वैकेंसियां बनेंगी, हायर वैलेंसी के अनायन डालोगे तो अनायन की वैकेंसियां बनेंगी। बोलो बेटे ये समझ में आता है कि नहीं? बेटा जल्दी यस करो। अब देखो बच्चे, ठीक है हमने यहां वैकेंसियां क्रिएट कर दी और उसे करंट को पास ऑन करवा दिया। ओके वेरी वेल डन, उसे करंट क्रूंट सब कुछ पास ऑन हो गया। ठीक है जी, ऐसे करके अगर वैकेंसी कभी भी बन जाए, अगर वैकेंसी कभी भी बन जाए बेटा, आपको पता शॉर्ट की डिफेक्ट में वैकेंसी बनती थी, वैकेंसियां कहां होती थी? शॉर्ट की डिफेक्ट में। पर शॉर्ट की डिफेक्ट जो है ना, ठीक बेटा खुशबू, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्लो पढ़ाया मैंने, बहुत ही स्लो। पता है तुम्हें एक महीना हो गया सॉलिड स्टेट पढ़ते हुए, मालूम है तुम्हें, है ना? अगर फिर भी स्पीड फास्ट है ना मेरे बच्चे, तो इससे ज्यादा तो क्या, फिर तो साल भर हम सॉलिड स्टेट ही पढ़ते रह जाएंगे। ठीक, ऐसा है, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमने इसमें कटायन वैकेंसीज या अनायन वैकेंसीज बनाए, अगर हमने इसमें कटायन वैकेंसीज या अनायन वैकेंसीज बनाए किसी भी तरह से, तो करंट उससे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा था वैकेंसी वाले डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। पर शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर स्टॉक्योमेट्री मेंटेन रहती है। क्या यहां स्टॉक्योमेट्री मेंटेन रहेगी? रेशियो ऑफ कटायन अनायन सेम रहेगा? आप देख रहे हैं दो, इसने दो को बाहर रिप्लेस कर दिया, एक जगह पे आ गया, एक कटायन कम हो गया ना। यहां वैकेंसी तो बनी बेटे, लेकिन स्टॉक्योमेट्री इज नॉट मेंटेन। वैकेंसी तो बनी बच्चे, लेकिन स्टॉक्योमेट्री इज नॉट मेंटेन, इसलिए इसको शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट बोलते हैं, शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी बेटे, क्वेश्चन आया पेपर में, कंपटीशन में बोला कि NaCl इज डोप्ड विथ MgCl2, NaCl इज डोप्ड विथ MgCl2, द डिफेक्ट इज ए Frenkel defect, B Schottky type defect, C metal excess defect, E interstitial। Interstitial defect। ठीक बेटा, देखो यहां पे NaCl is doped with MgCl, higher valency का क्या डाला? Cation। हायर वैलेंसी का कटायन डालेंगे तो वैकेंसियां बनेंगी, वैकेंसी बनेगी तो शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट होगा। ठीक,
एक बात ध्यान से सुनना, पूरे ध्यान से सुनना बेटे, यहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ कटायन कम हो जाते हैं। अगर हायर वैलेंसी का कटायन डालोगे तो कटायन का नंबर कम हो जाएगा, आप देख रहे हो, तभी तो होल बन रहे हैं ना। तो मेटल डेफिशिएंट तो पक्का है, मेटल एक्सेस नहीं है। मेटल डेफिशिएंट होता तो वो टिक करते, तो शॉर्ट की नहीं टिक करते, पर मेटल डेफिशिएंट दिया नहीं था इसलिए हमने शॉर्ट की डिफेक्ट को टिक किया। बोलो समझ में आई मेरी बात? यस। अब इस पे क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कंपटीशन में, ठीक ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि NaCl इज डोप्ड विथ 10^-3 मोल परसेंट ऑफ AlCl3। Find the number of cation vacancies। ठीक बोला, NaCl is doped with 10^-3 मोल परसेंट ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड। फाइंड द नंबर ऑफ कटायन वैकेंसीज, हमें कटायन वैकेंसीज का नंबर बताना है। देखो बेटे, हमें यह तो समझ में आ ही रहा है कि फॉर वन AlCl3 3 NaCl इज गिवन आउट, 3 NaCl इज टेकन आउट, ये तो क्लियर है। उस 3 में से 1 में अल्मोनियम चला जाता है, क्लोरीन तो तीनों के चला जाते हैं, 2 कटायन वैकेंसीज बन जाती है। देयरफॉर फॉर 1 AlCl3 2 कटायन वैकेंसीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर 1 AlCl3 3 NaCl बाहर निकले, और इसका मतलब 3 में से 1 जगह पे तो अल्मोनियम आ गया, 2 जगह पे वैकेंसी बन गई, तो फॉर 1 AlCl3 2 कटायन वैकेंसीज आर फॉर्म। बोलो यहां तक समझ में आता है कि नहीं, जल्दी बोलना, क्वेश्चन खत्म करना मेरे को। ये अब देखो बेटे, नंबर ऑफ AlCl3 डो बोला 10^-3 मोल परसेंट। अब परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो यानी 10^-3 डिवाइडेड बाय 100 मोल। ये परसेंट लिखा था इसलिए डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, परसेंट नहीं लिखा होता तो डिवाइडेड बाय 100 नहीं कर, ये मोल परसेंट बोला था। ठीक है जी, आ गया 10^-5 मोल। क्या बन गया? 10^-5 मोल्स बन गए जी। क्लियर? अब एक के लिए फॉर 1 AlCl3 देयर आर 2 कटायन वैकेंसीज। Hence, for 10^-5 moles, there are 2 × 10^-5 mole of cation vacancies. तो cation vacancy के mole आ गए 2 × 10^-5, और एक mole की value होती है 6.023 × 10^23. Therefore, number of cation vacancies, therefore number of cation vacancies 2 × 10^-5 × 6.023 × 10^23। इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल दो, मोल की जगह ये लिख दिया है, ध्यान से समझना। मैंने कहा
कि देखो बेटा ये सिंपल बात थी कि जब कभी भी हम अल्मोनियम 3 पॉजिटिव को चढ़ाएंगे सोडियम पे 1 पॉजिटिव अल्मोनियम 3 पॉजिटिव तो चार्ज तो बैलेंस रहना है, तो एक अल्मोनियम क्लोराइड के लिए 3 NaCl बाहर जाएंगे। अब 3 NaCl से 3 Cl गए, 3 Cl आ गए तो Cl तो अपनी जगह पे आ गए, बट 3 Na बाहर गए हैं उसमें एक जगह पे तो अल्मोनियम आ गया, दो कटायन वैकेंसी बन गई। तो एक AlCl3 के लिए दो कटायन वैकेंसी बनती है। तो नंबर ऑफ अल्मोनियम कितने डोप किए हमने, 10^-3 मोल परसेंट, तो 10^-3 मोल डिवाइडेड बाय 100% के लिए बोल दिया, यानी 10^-5 मोल डोप किए हैं। बेटा एक से दो बनती है तो इतने मोल से इंटू टू हो जाए, तो 2 × 10^-5 मोल्स हो गए, एक मोल में 6.023 × 10^23 इतने मोल्स में इसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ कटायन वैकेंसीज निकाल लेंगे। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? जल्दी जल्दी सारे बच्चे यस नो करना, नहीं आया तो कोई बात नहीं दोबारा बता दें। जानवी यस, मुदिता यस, अवनीत यस, दिया यस, पलक यस, आर्यन यस, परी सिद्धार्थ यस। हां जी कोई नो वाला हो